हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घर बैठकर आप अपना ब्लड प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये वीडियो किसी भी ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। ये है हैंडकफ जिसे हाथ में बांधा जाता है। फिर आप स्क्रीन पर देखेंगे SYS जो कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जो 120 mmHg नॉर्मल होता है। DIA मतलब डायस्टोलिक जो कि 80 mmHg नॉर्मल होता है। और पल्स है अगला जिसमें 60-100 बीट्स पर मिनट होता है नॉर्मल। फिर स्टार्ट और स्टॉप बटन है जो सिस्टम ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखेंगे एक नॉब दिया हुआ है जो हम हैंडकफ को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ आप देखेंगे अडैप्टर फिक्स करने के लिए एक नॉब दिया गया है। अगर आप बैटरी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप अडैप्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बैटरी भी यूज़ कर सकते हैं। एक टाइम पे 4 बैटरी लगती है, इसे लेकर आप इस मॉनिटर को ऑपरेट कर सकते हैं। अब हम सिस्टम को ऑन कर देंगे। लगाते वक्त हमेशा ध्यान दें कि हैंडकफ का वायर कभी भी मुड़ा नहीं रहना चाहिए, सामने की तरफ रहना चाहिए। और हमेशा मॉनिटर को हार्ट के लेवल पर रखें ताकि किसी भी प्रकार का प्रेशर डिफरेंस ना आए। उसके बाद आप सिस्टम को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद वेट कीजिए, उसके टाइमर के हिसाब से वो आपको थोड़े देर में ब्लड प्रेशर को दिखाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो प्रेशर मेशर कर रहा है। अब फाइनल आप नंबर देखेंगे जिसमें वो ब्लड प्रेशर को डिस्प्ले करेगा और पल्स को डिस्प्ले करेगा।